नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग 2021 होंडा लिबो के 2.0 मॉडल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी 110cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल यहाँ पर होंडा लिबो ही होती है और इसका सीधा कॉम्पिटिशन हमेशा से पैशन प्रो से रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरो ने हाल ही में अपनी ग्लैमर 125 के एसटेक मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें आपको एसपी 125 के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा लुक भी देखने को मिलता है। और हीरो जो है वो अब अपनी पैशन प्रो के भी एसटेक मॉडल को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो ऐसे में होंडा भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। होंडा भी अपनी लिबो के 2.0 मॉडल को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक के 2.0 मॉडल की सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि इसमें आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलने वाली हैं, क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइस रहेगी। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट चेंज इसके हेडलैम्प में देखने को मिलेगा। इसमें अब आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है। और अभी इस बाइक में आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिससे इसका फ्रंट का लुक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। और सेकेंड चेंज आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। इसमें अब आपको एसपी 125 वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसके टैंक काउल भी अब आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक, प्लस CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं आपको प्लेटिना 110 में ABS देखने को मिलता है। और देखा जाए तो अभी आपको SP 125 में भी ABS देखने को नहीं मिलता है, और इसमें भी आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसके टायर साइज भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर इसकी माइलेज के बारे में, तो इससे आपको सिटी में देखने को मिल जाएगा 55 से लेकर 60 KMPL तक का माइलेज। वहीं आपको हाईवे में देखने को मिल जाएगा 60 से लेकर 65 KMPL तक का माइलेज। तो इस बाइक से आपको माइलेज भी सेम ही देखने को मिलेगी। अब बात कर लें अगर इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 109.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल BS6 AFI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 8.6 BHP के अप्रॉक्स पावर और 9.5 न्यूटन मीटर के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इस बाइक की पावर फिगर आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगी, लेकिन इस बाइक में अब आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन देखने को मिलेगा। यानी कि इस बाइक के रिफाइनमेंट लेवल को अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और इसमें अब आपको 5-स्पीड का गेयरबॉक्स भी देखने को मिलेगा। अभी आपको इसमें 4-स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको 5-स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर अब इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 4 से 5 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है। और बदले में इस बाइक में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अपडेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग इस बाइक के ओल्ड मॉडल को परचेस करने की सोच रहे थे, तो आप लोग ज़रूर से इस बाइक के न्यू मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक भी देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको इस ईयर के फेस्टिवल सीजन तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट सेफ, जय हिंद।